हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ होंगे बच्चों। तो टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू लेसन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज बच्चों मैं आपको इसकी थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट? ओके, सो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक्स, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? ओके, सो बच्चों देखो, ऑलरेडी आपने देखा है, ठीक है? ऑलरेडी यू हैव सीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। वहां पे आपने क्या देखा था कि वी आर हैविंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड y एक्सिस। ओके, सो ये जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है? ठीक है, उसको हम लोग O ले लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है? जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों ओरिजिन। ओके, सो नाउ आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि वेन वी मूव टूवर्ड्स राइट, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन x एक्सिस, क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, वहां से एक्स एक्सिस राइट तरफ भी जा सकते हो और एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ भी है। सो व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिविटी विल इंक्रीज। ओके, जैसे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो नेगेटिविटी विल इंक्रीज, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। सिमिलरली बच्चों, वेन यू विल मूव अपवर्ड, जब आप अपवर्ड जाओगे, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ जो होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नीचे आप जाओगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ओके, ऐसे आएगा। तो देखो सबसे पहले चीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो यू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, यहां पर आई हैव टेकन वन पॉइंट हियर। ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट? तो कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से बना होता है, ठीक है? कोई भी पॉइंट दो कोऑर्डिनेट से बना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सपोज मैंने लिखा कि एक पॉइंट ए है, ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए? सो आप पहले क्या करना, ये दिस इज अ पॉइंट ए, वहां से यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, एंड वहां से यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? ये वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर है और ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है? सो आप नोटिस करना, वन एक्स एक्सिस पे कितना डिस, ऑलवेज जब आप कभी भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हो, तो आप पहले एक्स लेते हो, ठीक है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लेते हो। तो एक्स पे देखो कितना डिस्टेंस है, वन टू थ्री, एक्स का कोऑर्डिनेट थ्री हो गया। y पे कितना है चेक करो, वन टू टू, ठीक है। सो यहां पे आपको क्या मिला, a थ्री कॉमा टू मिला, ट्रिपल साइन मतलब इक्विवेलेंट होता है। सो थ्री क्या हो गया x कोऑर्डिनेट और टू क्या हो गया y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आप देखो कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट इज थ्री और y कोऑर्डिनेट इज टू, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और, कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, सो ए जो पॉइंट ए है उसके दो कोऑर्डिनेट है थ्री एंड टू, तो थ्री जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको एब्सिसा बोल सकते हो। और ये जो टू होता है, टू को आप वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो या फिर ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया एक्सिस से रिलेटेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको समझा दिया। अब आप में मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला।
ओके सो नाउ वी विल सी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वील सी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या होता है पहले वो समझ लो। ठीक है, सो सपोज मैं फिर से वैसे समझाता हूं, आपने एक्सिस बनाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऊपर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, तो इसका एक्स कितना है वन है, इसका वाई कितना है ये भी वन है। ठीक है, ये ले लिया। सपोज दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया यहां। ठीक है, सो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई पे यहां पे है। ठीक है, सो ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब वन टू थ्री फोर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फोर है और वाई देखो वन टू थ्री फोर, वाई भी फोर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको पॉइंट ए यहां पर है और आपका पॉइंट बी यहां पर है। ठीक है, अगर मैंने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी कितना होगा। ठीक है, सो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी, तो यहां ए यहां पे है, यहां से ये दूरी कितनी है ए बी, ये डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए देखो, क्योंकि ए का आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वन कॉमा वन, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, फोर कॉमा फोर। ठीक है, सो अगर आपको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है एंड क्लू के फॉर्म में आपके पास, मतलब एक क्लू क्या दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो व्हाट विल यू डू। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप एक्स वन वाई वन ले लो, ठीक, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप एक्स टू वाई टू ले लो। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ए बी, ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो आपको मैं समझाता हूं। तो आइदर यू कैन राइट एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक, अंडर रूट में द होल स्क्वायर, प्लस वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो जब आपने एक्स वन पहले लिया है तो आपने यहां पे वाई वन को पहले लिया है, सिमिलरली आप लिख सकते हो एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। तो कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आया। ओके, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कोई भी एक। ठीक है, मैंने सपोज एक्स टू माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला यूज किया, मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, तो अभी मुझे ए बी फाइंड करना है, तो अभी एक्स टू कितना है देखो, यहां पर फोर है, और एक्स वन कितना है वन, वाई टू कितना है फोर, और वाई वन कितना है वन। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर, फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर, तो ये थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, ये थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, एटीन। अच्छा, अब ये देखो एटीन यूनिट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एटीन यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या होता है यूनिट में लेते हैं। ठीक है, फर्दर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हो, एटीन क्या होता है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, सो वी हैव अ पेयर ऑफ थ्री, सो वन थ्री विल कम आउट, थ्री रूट टू यूनिट। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ बच्चों वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, और भी जो इसमें अलग अलग टाइप के सम्स आएंगे तो मैं आपको उसके फॉर्मूले बताते रहूंगा, फिलहाल अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला देखा है उसके बेस पे कुछ सम स्टार्ट करते हैं। सो देखो एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
following pair of points. ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है. सो देखो पॉइंट्स क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. 2.3 है, 4.1. देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. ठीक है, ऐसे दिए रहते हैं. सो आप पॉइंट ए बी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, एनी यू कैन टेक. तो मेथड क्या होता है, लेट ए, ए के साथ 2.3 ले लिया, दैट इज इक्वेलेंट, ये एक्स वन है, ये हमेशा लिखने का तरीका यही होता है बच्चों. एंड ये बी है, बी क्या है 4.1 इक्वेलेंट टू एक्स टू बाय टू. ओके, सो अब ये आपके पास, क्योंकि आपने ए बी अपने खुद से लिया, तो इन ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी, ए बी फाइंड करना है. सो फिर से आप लिख लोगे ए बी क्या होता है, तो यहां पे एक लिख लो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेंशन हमेशा करना. ठीक है, सो अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो यहां पे देखो x2 की जगह क्या है, 4 है, तो मैंने लिख लिया 4 माइनस, और x1 के प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 लिख लिया. अब ठीक है, फिर y2 के प्लेस पे क्या है, 1 है, माइनस y1 के प्लेस पे क्या है, 3 है. ठीक है, ये लिख लिया. तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 माइनस 3, देखो छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो पता है माइनस 3 है प्लस 1 है, तो माइनस 3 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 2 होता है. ठीक है, बट क्योंकि देखो यहां पे क्या है, स्क्वायर है, अगर आप छोटे को बड़े, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हो यहां नेगेटिव मिलता है, फिर भी यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर होता है. सो स्क्वायर में नेगेटिव नंबर का तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है आपको. सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो आपको मिल गया ये अंडर रूट 8. ठीक है, तो यहां तक भी कर सकते हो बच्चों, या फिर आप और क्या कर सकते हो, इसको फर्दर मैंने सिखाया था, फैक्टराइज करो, 2 2 4 2 8. सो वी हैव अ पेयर ऑफ 2, तो इन दो में से एक 2 को वी विल टेक आउट, तो ये हो गया 2√2 यूनिट. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूं मैं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -5.7 और -1.3. सो फिर से वही कर लेते हैं बच्चों, लेट ए -5.7, ठीक है, एक्स वन वाई वन, बी क्या है -1.3, ठीक है, एक्स टू वाई टू, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सो हम लोग ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. नेक्स्ट, अभी एक्स टू क्या है, माइनस वन है, लिख लिया माइनस वन, बीच में माइनस है फॉर्मूला, और एक्स वन क्या है, इट सेल्फ माइनस फाइव है. ठीक है, देखो एक्स टू क्या है, माइनस वन है, एक्स टू क्या है, माइनस वन है, लिख लिया. ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का माइनस है, और एक्स वन क्या है, एक्स वन की खुद की वैल्यू भी माइनस ही है, तो ब्रैकेट में माइनस लिखूंगा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, देखो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस. अब वाई टू माइनस वाई वन करना है, तो वाई टू क्या है, थ्री, थ्री माइनस सेवन द होल स्क्वायर. ठीक है, सो अब देखो यहां पे क्या करना है, ये माइनस वन है, अब देखो क्योंकि ये स्क्वायर बाहर है ना, ये देखो बीच में क्या है, माइनस माइनस, सो प्लस, तो ये प्लस फाइव हो जाएगा द होल स्क्वायर. ओके, थ्री माइनस सेवन क्या होता है, माइनस फोर होता है, तो देखो ये माइनस वन प्लस फाइव प्लस फोर होता है, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है और छोटा माइनस है, तो प्लस फोर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सामने ही देख लो, फोर का स्क्वायर 16, और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 16 हो गया, तो ये हो जाएगा √32. ठीक है, अब हम लोग फिर से इसको 4 4 16 2 32, सो विल टेक पेयर ऑफ 4, 4√2 यूनिट. ठीक है, ये हो गया, ये रहा. सो ये आप, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3. सो लिखेंगे लेट ए, ए कॉमा बी, ठीक है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, बी है माइनस ए
ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हो गया एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब क्या करना है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स टू क्या है, माइनस ए है, फिर ये माइनस बीच का फॉर्मूले में जो है, और एक्स वन क्या है, वो ए है। ठीक है, प्लस अब वाई टू माइनस वाई वन करना है, तो ये माइनस बी है माइनस, और ये सिर्फ बी है। ठीक है, अब यहां देखो आप दोनों नेगेटिव है, सो देखो माइनस ए माइनस ए, तो दोनों नेगेटिव होता तो एडअप हो जाएगा, तो माइनस ए साइन ऑफ माइनस विल कम, माइनस ए माइनस ए, क्योंकि माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन ए माइनस वन ए मतलब माइनस टू ए, सेम माइनस टू माइनस बी क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो माइनस टू बी। तो देखो नेगेटिव है, पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या होता है, प्लस आएगा, तो हो जाएगा फोर ए का स्क्वायर ये भी प्लस फोर बी का स्क्वायर, सो फोर कॉमन है तो फोर विल कम आउट। ठीक है, अभी देखो फोर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो फोर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री भी सॉल्व हो गया। ओके, नाउ 7.1 का क्वेश्चन नंबर टू जो है, क्वेश्चन नंबर टू इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,515 सॉरी। ओके, सो अब ये सिंपल है, फिर से आप क्या करोगे, लेट ए 0,0, 0,0 कहां होता है बच्चों, ये ओरिजिन पे होता है, सो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और जो b है वो क्या है, 36,15। ठीक है, ये x2 y2 हो गया, सो फिर से आप डिस्टेंस फाइंड करना है, लिखा है डिस्टेंस फाइंड करना है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। ठीक, अब x2 क्या है, 36 और x1 क्या है, 0 द होल स्क्वायर, y2 क्या है, 15 माइनस 0 द होल स्क्वायर। थर्टी सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 36 माइनस 0 36 ही होता है, और 15 माइनस 0 15 ही होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इनको एडअप करो, 1, 2, 5, 1, 5, 2। ठीक है, अब बच्चों एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अभी नोटिस करो ये 1521 जो है, ठीक है, ये 1500 जो है वो किसके पास है, कौन से स्क्वायर के पास है। ठीक है, 1600 जो है, इसके बाद 1600 जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना है, 40, तो 1600 के पहले आता है ये। ठीक है, और नोटिस करो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो अगर आप 39 लेते हो, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 है, तो ये तो 1600 से कम है, तो इसके पहले देखो 39, तो जब आप 39 लेते हो तो 39 के यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 9, तो अगर आप 39 × 39 करोगे, ऐसे लॉजिकली बता रहा हूं मैं, सो चेक करो क्या ये आ रहा है क्या। ठीक है, सो अगर ये आता है तो 39 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है, और एक दूसरा मेथड भी होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि 1521 है, ठीक है, तो चेक काउंट, 1 + 5 क्या हो गया, 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो सब डिजिट्स को ऐड करने पे 9 हो रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, 2 आया तो 3 × 1 = 0, 3 × 7 = 21। ठीक, तो देखो अंडर रूट आप क्या लिखोगे, अभी क्या मिला, 3 × 5 = 7। ठीक है, फर्दर
अब आगे क्या देखना है, अगेन देखो 5 प्लस 7 क्या होता है 12, 5 प्लस 7 क्या होता है 12, फर्दर ये 3 से डिविजिबल है, मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 3 से 507 को डिवाइड करो, 3 वन जा 3, 3 सिक्स 18, 2 आया, 3 नाइन जा 27, ठीक है। तो 3 इंटू 169, तो 3 तो ऑलरेडी है, ये 507 कैसे मिला देखो, यहां पर 507 कैसे मिला, 3 इंटू 169 को मल्टीप्लाई करके, तो 507 के प्लेस पे 3 इंटू 169 लिख लो, ठीक है। अभी देखो 3 3, अच्छा ये पता है 169 क्या होता है, 13 इंटू 13 का स्क्वायर, सो नाउ हियर वी हैव 3 का पेयर एंड 13 का पेयर, सो 13 विल कम आउट, 113 विल कम आउट एंड 13 3 जा 39 यूनिट, ये हो गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1.5, 2.3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। सो सबसे पहले आप समझो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी सबसे पहले चीज आप कोलिनियर को समझने से पहले देखो, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आप पी क्यू आर भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, योर विश। तो मैं जनरली ए बी सी ही लेता हूं, लेट ए क्या हो गया 1.5, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एक्स वन वाई वन, फिर बी क्या होता है 2.3 है, उसको ले लिया मैंने, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स टू वाई टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है सी, ठीक है सी ले लिया, सी क्या है -2, -11, ठीक है एक्स थ्री वाई थ्री, चलो ये हो गया। अब क्योंकि अपने पास पॉइंट्स हो गए ए बी सी, सो अगर मेरे पास 3 पॉइंट दिया है, ठीक है, पूछा है 3 या 4 या 5 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना है बच्चों, ए बी फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस ए बी फाइंड करो, डिस्टेंस बी सी फाइंड करो और डिस्टेंस ए सी फाइंड करो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज कहीं पे दिया होगा कि ए बी, सपोज कहीं पे दिया है कि ए बी 2 है, बी सी 3 है एंड जो ए सी है वो 5 है, ठीक है। सो अब पूछा है फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सो देखो ए बी का डिस्टेंस 2 है, बी सी का डिस्टेंस 3 है और ए सी का डिस्टेंस 5 है, तो कोई भी दो छोटे यूनिट्स को ऐड करने पर अगर बड़े यूनिट्स के बराबर आता है, ठीक है, जैसे 2 + 3 को ऐड करने पर 5 ही होता है ना, तो इसका मतलब है अगर आप ए बी प्लस बी सी को ऐड कर रहे हो वो किसके इक्वल हो रहा है, एसी के इक्वल हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ए बी और बीसी को ऐड करने पे एसी के बराबर आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों, अब देखो ए बी और बीसी में कॉमन क्या है, बी, तो एक लाइन ड्रॉ करो, बी को बीच में लो क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो बी दोनों में कॉमन है तो एंड पॉइंट पे क्या गया, एसी, ठीक है। अब नोटिस करो ए बी कितना था 2, बीसी कितना था 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, देखो एसी आपको 5 मिल गया, ठीक। तो देखो ये मैंने आपको जनरली बताया, तो कभी भी अगर लिखा है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो किसी ए बी सी ले लिया, फिर आप क्या करो ए बी फाइंड कर लो, ठीक है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सो आप ए बी लिख लो, पहले ए बी फाइंड कर लो। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ए बी क्या होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, क्योंकि अभी क्या कर रहे हो ए बी का फाइंड डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर बी सी फाइंड करोगे, फिर ए सी फाइंड करोगे, तो तीनों के लिए 1 by 1 फाइंड कर लेना है आपको। तो एक्स टू कितना है चेक कर लो, यहां पे 2 है और एक्स वन कितना है 1 है, वाई टू कितना है 3 है और ये कितना है 5 है, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 क्या होता है -2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस है ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव का प्लस 4, तो अंडर रूट 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया अंडर रूट 5 यूनिट हो गया। अब आपने ए बी फाइंड कर लिया, बीसी फाइंड कर लो। ठीक है बीसी, अभी बीसी क्या होगा देखो यहां पे चेक करो, एक्स थ्री माइनस एक्स टू करो क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन इसके पहले वाले में किया था, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन किया था ए बी के केस में, अब बीसी है ना तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू। एक्स थ्री देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां पे एक्स थ्री माइनस एक्स टू क्योंकि बीसी के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो, एक्स टू है एक्स थ्री है वाई टू वाई थ्री है, तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर एंड वाई थ्री माइनस वाई टू द होल स्क्वायर थ्री है सॉरी। ठीक है अभी एक्स थ्री कितना है आप देख सकते हो माइनस टू है फिर माइनस और एक्स टू क्या है टू है प्लस, वाई थ्री कितना है माइनस इलेवन है फिर माइनस और वाई टू कितना है थ्री है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड अप हो जाएगा तो ये माइनस फोर का स्क्वायर प्लस, दोनों नेगेटिव ऐड अप हो जाएगा तो माइनस फोर्टीन का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, फोर्टीन का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है इन दोनों को ऐड अप कर लो, 212 यूनिट। अभी एसी रह गया है, एसी के लिए क्या करोगे देख लो वापस से, ये रहा एसी देखो क्या है, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन क्योंकि ए और सी का रिलेशन चाहिए ना, एसी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है एसी बोला है तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है ऐसा आप समझ लेना। तो अभी देखो यहां पर लिख लेते हैं एक्स थ्री की क्या वैल्यू है, आप देखो यहां पर, देखो यहां पर एक्स थ्री क्या है माइनस टू माइनस टू माइनस एक्स वन क्या है देखो वन वन स्क्वायर प्लस वाई थ्री क्या है देखो वाई थ्री क्या है माइनस इलेवन और वाई वन क्या है देखो फाइव। तो हो जाएगा माइनस थ्री क्योंकि दोनों नेगेटिव है स्क्वायर इलेवन दोनों नेगेटिव है तो इलेवन और फाइव को ऐड करेंगे तो माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स, सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स होता है। ठीक है अब ये क्या हो जाएगा टू सिक्सटी फाइव, टू सिक्सटी फाइव हो गया। ठीक है अच्छा अब एक चीज नोटिस करो, ये जो 212 मिला था हम लोग ने इसको फर्दर नहीं किया, अगर हम लोग इसको फर्दर करेंगे ठीक है जैसे मैंने बताया था फैक्टराइज करो तो हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 53 सो 12 विल कम आउट 53। ठीक है सो ये मिला आंसर। ठीक है इसको फैक्टराइज करो ना, 2 से डिवाइड करो फिर से है ना फैक्टराइज करोगे मतलब डिवाइड करना, सो 2 का पेयर मिलेगा 12 विल कम आउट 2√53। अच्छा भाई 265 मिला है, इसको हम लोग फर्दर नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि कर सकते हैं लेकिन देखो जैसे यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे 265 तो 5 25 होगा 5 3 15। ठीक है सो यहां पे कोई पेयर नहीं मिल रहा है, देखो 5 × 53 पे रुक जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना तो यहीं तक रख के छोड़ देते। ठीक है सो देखो अभी आप नोटिस करो आपको क्या क्या मिला था, जो आपको ए बी मिला है ठीक है ये रहा, रूट फाइव मिला है, बीसी मिला है वो तो आपको दिख ही रहा है, 2√53 है और जो आपको एसी मिला है वो क्या मिला है ये रहा है ना ये रहा 265। तो देखो इन दोनों को ऐड अप करके ये तो मिल ही नहीं रहा है ठीक है क्योंकि रूट अलग वैल्यू है, रूट अलग वैल्यू है ना, देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी यही है ना क्योंकि देखो ये 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 212 हो जाएगा तो ये अंडर रूट 212 है तो ये अंडर रूट 212 है ना, ये देखो यहां से मिला है सो अंडर रूट 212 है, ये अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 265 है तो ये सबसे बड़ा है। तो यहां पे देखो ए बी प्लस बी सी दो छोटी वैल्यू को ऐड करने पर वो इक्वल नहीं है किसके, एसी के, सबसे बड़ी वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, वो एक लाइन में नहीं आते ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है कि चेक वेदर वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो देखो ये लिखा है कि चेक वेदर देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो देखो तीन पॉइंट्स है, तो फिर से मैंने आपको समझाया था क्या करना है, ट्रिक सेम है सब कुछ। लेट ए 5, -2, ठीक है ये हो गया एक्स वन वाई वन, बी जो है वो है 6, 4 एक्स टू वाई टू, सी जो है वो है 7, -2 एक्स थ्री वाई थ्री। ओके, सो अब देखो मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसा। ठीक, ए ए क्या हो गया 5, -2, बी जो हो गया वो क्या हो गया 6, 4 और सी जो हो गया वो हो गया 7, -2। तो देखो अगर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो कोई भी दो साइड इक्वल होंगे। ठीक है, एनी टू साइड्स विल बी इक्वल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं, देन डिस्टेंस बी सी फाइंड करते हैं, देन डिस्टेंस ए सी फाइंड करते हैं, एंड वी विल चेक ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ। चेक करेंगे किस कौन से दो साइड का लेंथ इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है। इफ वी विल बी गेटिंग एनी टू साइड्स इक्वल, सो दिस ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो देखो इसके लिए हम लोग ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए बी के लिए। सो ए बी के लिए क्या करेंगे, आपको पता है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। इसके सामने लिख ले रहा हूं ताकि यहीं पे हो जाए, पूरा आ जाए एक साथ। तो x2 कितना है 6 है, x1 कितना है 5 है द होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 है माइनस, और y1 कितना है -2 है, तो ब्रैकेट के अंदर -2 एंड द होल ब्रैकेट क्लोज। 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस -, तो हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो हो गया 1 + 36 दैट इज √37। ये मिल गया ए बी, चलो ए बी 37 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एज इट इज लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या है, बी सी। बी सी के लिए भी वही करते हैं। ठीक है, बी सी के लिए देखो x3 - x2 प्लस y3 - y2 ठीक है, अब देखो x3 क्या है, x3 की वैल्यू क्या है 7, माइनस x2 क्या है 6, फिर ये क्या है -2, माइनस ये क्या है 4। ठीक है, तो देखो 7 - 6 1 होता है 1 का स्क्वायर, दोनों नेगेटिव एड अप हो जाएंगे तो -6 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 36 का स्क्वायर 36, तो ये क्या मिल गया आपको 37। ये भी √37 है, ये भी √37 है। ठीक है, बट आगे भी करना है आपको। ठीक है, ए बी बी सी, ये नहीं कि ये थर्ड वाला नहीं फाइंड किया, नहीं तीनों फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ फॉर ए सी वी विल टेक, ए सी क्या है ये चेक करो, x3 - x1 y3 - y1 x3 - ठीक है x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो
चेक करो एक्स थ्री क्या है, एक्स थ्री देखो क्या है, सेवन है, तो यहां लिख लो सेवन, देखो एक्स थ्री क्या है, देख लो यहां पे सेवन है, ठीक है, और एक्स वन क्या है, फाइव, वाई थ्री क्या है, देखो वाई थ्री माइनस टू है, और वाई वन क्या है, माइनस टू, माइनस टू है, ठीक है, वाई थ्री माइनस टू है, माइनस, और ये भी माइनस टू है, ठीक है, दोनों माइनस टू है, द होल स्क्वायर. सो नाउ ये हो गया टू का स्क्वायर, ठीक है. अब नोटिस करो ये माइनस टू है, माइनस माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर. सो क्या होगा, ये टू का स्क्वायर फोर हो गया, और प्लस माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है. सो अंडर रूट फोर है, तो दैट इज टू, ठीक है. सो अब आप क्या देख सकते हो, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी, एंड दोनों का क्या है, 37. देयरफोर है ना, देयरफोर क्या लिख सकते हो, आपको बताना था कि जो वर्टाइसेस हैं, तो बता सकते हो कि ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड if any by the following points and give reason for your answer. ठीक है, so we have given four points. ठीक है, so ये four vertices भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि ये जो four vertices हैं, ठीक है, ये किस type का quadrilateral बना रहे हैं, क्योंकि four corner points हो जाएंगे, ये three coordinates होते थे, ठीक है, three points होते थे तो triangle बन रहा था अब तक, now we have four points. ठीक है, one two three four, so now इट विल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल. तो आपको बताना है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है, मतलब वो आपको बताना है. ठीक है, तो बेसिकली अब स्क्वायर स्क्वायर होगा, तो देखो सबसे पहले, अब मैं पहले स्टेप पहला स्टेप बताऊं, फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे कि कैसे क्या होता है. सो ए क्या है, माइनस वन माइनस टू, ठीक है, दैट इज एक्स वन वाई वन, बी इज वन कॉमा जीरो, दैट इज एक्स टू वाई टू, फिर सी पे आ जाते हैं, माइनस वन कॉमा टू, ठीक है, तो ये ले लेंगे एक्स थ्री बाई थ्री, फिर डी पे आते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री कॉमा जीरो, एक्स फोर बाय फोर, ये हो गया. तो अब क्या करना है, देखो आपको एक रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है, दिस इज अ रफ डायग्राम, ए माइनस वन माइनस टू, बी वन कॉमा जीरो, सी माइनस वन कॉमा टू, डी माइनस थ्री कॉमा जीरो, मैंने ऐसे रफली एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है. सो अब मुझे क्या करना है, कि मुझे बताना है कि दीज आर द वर्टाइसेस, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. सो उसके लिए क्या करोगे, ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, सी डी फाइंड करोगे, और ए डी. सबसे पहले फाइंड द ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आप फाइंड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है. तो पहले आपको क्या करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या फाइंड करना है, देखते हैं, आप ए बी फाइंड करो, ठीक है, ए बी. सो ए बी, ए बी देखो ये है, ठीक, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स टू कितना है, वन माइनस, एक्स वन भी माइनस वन है, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, जीरो माइनस, और इटसेल्फ इट इज माइनस माइनस, ठीक है. सो ये हो जाएगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है. सो वन प्लस टू का है टू का स्क्वायर, प्लस ये हो गया टू का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, अंडर रूट फोर प्लस फोर, तो अंडर रूट एट हो जाएगा. तो एट को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, टू टू जा फोर टू जा एट, ठीक, एट को फैक्टराइज करेंगे, टू टू जा फोर टू जा एट, वी हैव अ पेयर ऑफ टू, सो इसको हम लोग टू रूट टू लिख लेंगे, क्योंकि वन टू विल कम आउट, अंडर रूट टू रह जाएगा, ठीक है. तो ये आपको मिल गया ए बी, ठीक है, ए बी मिला, अब बी सी पे आ जाते हैं, ठीक है,
बीसी के लिए क्या करेंगे, एक्स थ्री माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एक्स थ्री माइनस एक्स टू क्या है, माइनस वन एक्स थ्री है माइनस ये वन, और वाई थ्री माइनस वाई टू, सो वाई थ्री माइनस वाई टू टू माइनस जीरो, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव एड अप हो जाएगा तो माइनस टू का स्क्वायर, और ये सिर्फ टू है टू का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा ये फोर और ये हो जाएगा फोर। ठीक है, तो फोर प्लस फोर क्या होता है, रूट हो जाएगा एट। ठीक है, अंडर रूट एट, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर टू जा एट, तो फिर से यू हैव पेयर ऑफ टू, सो ये मिल जाएगा आपको टू रूट टू। तो देखो ये भी टू रूट टू था, ये भी टू रूट टू मिला। ठीक है, बीसी हो गया, अब हम लोग सीडी पे आ जाते हैं। ठीक है, सीडी तो सीडी देखो क्या है, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री वाई फोर माइनस वाई थ्री। वाई फोर माइनस, अभी देखो, अब देखो एक्स फोर कितना है आप देख लो पहले ही, एक्स फोर क्या है माइनस थ्री और एक्स थ्री क्या है माइनस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो वाई फोर माइनस वाई थ्री सो जीरो माइनस टू, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो गया माइनस थ्री प्लस वन द होल स्क्वायर। जीरो माइनस टू क्या होता है, माइनस टू होता है द होल स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस थ्री प्लस वन क्या होता है, माइनस टू होता है द होल स्क्वायर, और ये माइनस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है प्लस फोर, ये भी क्या होगा प्लस फोर, तो फिर से ये अंडर रूट एट मिला, तो अंडर रूट एट क्या मिलता है आपने देख लिया है, टू रूट टू मिलता है, सो अगेन यू राइट टू रूट टू। ठीक है, ये भी हो गया, एंड फाइनली एडी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एडी है एडी, सो देखो एडी फाइंड करना है, तो एक्स फोर माइनस एक्स वन वाई फोर माइनस वाई वन, एक्स फोर माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं ये है क्या। ठीक, एक्स फोर क्या है माइनस थ्री, एक्स फोर क्या है माइनस थ्री, और एक्स वन क्या है माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस, अभी वाई फोर माइनस वाई वन, वाई फोर माइनस वाई वन जीरो माइनस माइनस टू। ठीक है, क्योंकि माइनस टू है ना, तो ये लिख लेंगे जीरो माइनस माइनस टू ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखो ये हो गया माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर ये ऑपरेशन अंदर हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया जीरो प्लस टू द होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन क्या होता है माइनस टू का स्क्वायर, और ये हो गया टू का स्क्वायर। ठीक है, तो टू का स्क्वायर फोर, ये भी टू का स्क्वायर फोर, तो ये भी रूट मिल गया, तो इसको भी टू रूट टू लिख लेंगे। ठीक, इसका मतलब है सब वैल्यू सेम मिले, देखो इसका मतलब क्या मिला आपको, देखो हेंस ए बी आपको क्या मिला टू रूट टू, बी सी क्या मिला टू रूट टू, सी डी क्या मिला टू रूट टू, और जो फाइनली ए डी मिला है वो भी टू रूट टू मिला है। ठीक है, सो क्या पता चलता है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना, यहां लिख लो ए बी बी सी सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इन स्क्वायर वी हैव ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकेंड एंड थर्ड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है फाइव, ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू कॉमा माइनस फाइव एंड दिस। सो देखो एक काम करते हैं, लेट पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स वन वाई वन। ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, पी नहीं लेते हैं, सुनो
स्टूडेंट्स देखो एक चीज याद रखना, मैं इसे रफली आपको समझा दे रहा हूं। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है ना। जैसे आपने यहां पे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, अगर आपने कोई एक पॉइंट यहां लिया तो ये 3.0 होगा, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन दिस उसका एक्स होगा लेकिन वाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट ऑन द वाई कोऑर्डिनेट है ना, सपोज ये वन वन टू थ्री ये फोर है, ठीक, यहां पे अगर कोई पॉइंट है इधर, ये देखो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो ये 0.4 होगा, क्योंकि सबसे पहले आप एक्स लिखते हो बाद में आप वाई लिखते हो। तो ये अगर कोई पॉइंट यहां पे एग्जैक्ट है 4 जो है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई जो भी है वो हो जाता है 4। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पे लिया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पे बोला क्या है कि जो पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है कहां पे? एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्वल डिस्टेंस, और वो पॉइंट जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो ऐसा इमेजिन करो कि पी एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। मैंने क्यों? क्योंकि वो पॉइंट जो है, जो पॉइंट है उसको मैंने क्या कंसिडर किया? पी है, ठीक है, और वो कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लिखा है, देखो मेंशन किया है कि जो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया एक्स कॉमा जीरो, विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे इससे भी और इससे भी, मतलब ये इससे भी और इससे भी। तो यहां से यहां सपोज ये ए है और ये बी है, सो पी ए जो डिस्टेंस होगा वो पी बी के इक्वल होगा, ऐसा गिवेन है। सो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ये ले लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग -2.9 ले लेते हैं। समझ में आया आपको? सो क्या बोला है कि एक पॉइंट लेना है विच इज ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स होगा और वाई नहीं होगा, तो वाई को मैंने यहां पे जीरो ले लिया, ये जीरो है, ठीक। अब बोला है ये जो पॉइंट पी है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पी से जो ए डिस्टेंस है पी से वही ये डिस्टेंस है। सो ए इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया है, सो पी ए इक्वल टू पी बी, ये गिवेन है, ठीक है, ये गिवेन है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? पॉइंट फाइंड करना, मतलब ठीक है ये मिसिंग है। सो एक काम करो, जो ए लिया आपने तो आप ऐसा लिख लो लेट ए, ठीक है, ए क्या है 2-5, तो ये हो गया है एक्स वन वाई वन, ओके। और ये जो बी लिया है -2.9, ये क्या है एक्स टू वाई टू, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो मेंशन क्या है, गिवन क्या है, पी ए और पी बी इक्वल है, ठीक है, और जो पॉइंट है पी वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो पी और पी बी इक्वल है, तो साथ में लिख लेंगे पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या पता है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या दिया है? पी ए इक्वल है पी बी के, तो पी ए का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है पी बी के डिस्टेंस से। तो देखो क्या करेंगे, पी ए देखते हैं, ठीक है। सो पी से ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, अभी आप नोटिस करो पी ए, तो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। अब पी ए बोला है ना पी ए, सो एक काम करो, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, देखो एक्स वन माइनस एक्स और वाई वन माइनस जीरो, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन, क्योंकि देखो अगर यहां से इसके एक्स को माइनस करो तो इसके वाई से इसके वाई को, या फिर अगर इसके एक्स से इसके एक्स को माइनस करो तो इसके वाई से इसके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, सो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा जीरो है, तो आप एक काम करो, अगर यहां से यहां आ रहे हो तो यहां से यहां आना है, एक्स माइनस टू पी ए है ना पी ए, सो एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव द होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करो, क्योंकि आप अगर देखो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को सेपरेट करो तो इसके वाई से इसको करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि इसके एक्स से इसको किया फिर इसके वाई से, ऐसे नहीं, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही सेपरेट करना, ठीक है, एक्स माइनस माइनस टू प्लस, ठीक है, पीबी का डिस्टेंस देख रहे हैं ना, जीरो माइनस नाइन। अब देखो क्या करना है, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जीरो प्लस फाइव फाइव ही होता है, तो फाइव का स्क्वायर, माइनस माइनस
प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, करेक्ट, और ये माइनस नाइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस नाइन होता है, माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस 81। नाउ अभी देखो दोनों स्क्वायर रूट है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, जो अंदर रह जाएगा वो बच जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये जो अंडर रूट है और ये जो रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर के जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक। अब ओपन द ब्रैकेट, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस माइनस है ना, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन किया, देखो ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये रहा माइनस, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकेंड टर्म 2 है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हो गया। उसके आगे क्या है, प्लस 25, ठीक। फिर यहां पे देखो क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो फिर से ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। सो अब इसको देख लो, एक्स स्क्वायर 2 2 4x प्लस 4 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है, इधर आएगा तो इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल। तो देखो क्या बचा है, माइनस 4x ये हो जाएगा प्लस 29, दोनों प्लस है, ये हो गया प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। 4x विल कम ऑन दिस साइड और 29 विल कम ऑन दैट साइड, क्योंकि लाइक टर्म्स टुगेदर होते हैं। सो ये माइनस 4x है, ठीक, ये प्लस 4x इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 85 अपने प्लेस पे प्लस है, प्लस 29 उस तरफ गया तो माइनस 29, ओके। सो दोनों नेगेटिव है तो माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, और 85 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करो, 56, ठीक है। सो ये हो गया 56। अब ये देखो माइनस 8 है, माइनस 8 विल गो एंड डिवाइड, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म है ना x के साथ, तो x इक्वल टू क्या होगा, 56 अपॉन माइनस 8, ठीक है। अगर डिवीजन करते वक्त कोई भी एक पॉजिटिव कोई भी एक नेगेटिव कोई भी एक नेगेटिव होता तो द होल आंसर विल कम इन नेगेटिव, तो 8 7 56 और माइनस आएगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होता तो पॉजिटिव रहता, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव रहेगा। तो देखो x क्या मिला, माइनस 7। इसके लिए जो p कोऑर्डिनेट होगा, p कोऑर्डिनेट आपने क्या लिया था, देखो x कॉमा 0, p क्या था, x कॉमा 0, और x क्या मिल गया आपको, माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ठीक है, और जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो क्या है, माइनस 7 कॉमा 0, इसका मतलब है जो पॉइंट है वो किधर है मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर कहीं है, ठीक है, ऐसे ओपी पॉइंट इधर है। ये बनाना नहीं है आपको, मैंने सिर्फ समझाया, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका।